है फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल मिस्टर नूर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो ये है हमारा सुल्तान और सुबह के बज रहे हैं 11। ये उठा है सुबह 9 बजे और तब से ऐसे ही खेल रहा है। और उस दिन हम आप लोगों को ये नहीं बताए थे, इसके पिछले वाले ब्लॉग में हमारा बाबू का तबीयत ख़राब था और उसके बाद हम ये नहीं बताए थे कि इसको हुआ क्या था। इसको कुछ नहीं हुआ था, डिहाइड्रेशन हो गया था। डिहाइड्रेशन मतलब इसको हम दूध पिलाते हैं, कुछ भी खिलाते, इसको हम अलग से पानी नहीं पिलाते थे। तो इस वजह से बाबू उधर जाओ, चलो, इस वजह से इसको डिहाइड्रेशन हो गया था, इसको सुसु नहीं हो रहा था। फिर इसको लेके गए यहाँ जहीर अब्बास के पास। अलविदा के दिन से इसका सुसु बंद था, तो फिर इसको लेके हम गए जहीर अब्बास के पास। तो वहाँ डॉक्टर साहब डायरेक्टली मुझसे यही पूछे कि इसको सुसु हो रहा है कि नहीं, तो हम बोले कि नहीं नहीं हो रहा है। वो जब बोले तब हमको ध्यान आया, फिर वो बोले कि ठीक है, इसका यूरिन टेस्ट होगा। फिर जब यूरिन टेस्ट हुआ तो मालूम हुआ कि इसको यूरिनरी इन्फेक्शन है। फिर इसको हम फिर वो दवा लिखे, दवा खिलाया। एक ही खुराक की दवा में बाबू को हमारा सुसु भी आने लगा, बाबू हमारा खेलने भी लगा। और फिर एक प्रॉब्लम इसके साथ ये भी हुआ कि दवा खिलाया ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद शाम के 5 बजे से इसको पोटी होने लगा। इतना ज़्यादा लूज मोशन, इतना ज़्यादा, पूरा रात भर में 24 बार इसको टॉयलेट हुआ। अगले सुबह इसको लेके हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो मतलब उस टाइम तो दिखा लो तो डॉक्टर साहब, यहाँ रात्रि सेवा उपलब्ध नहीं है गोपालगंज में। दिन भर जितना मरीज दिखाना है दिखाइए, जो करना है कीजिए, रात को यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई भी डॉक्टर रात को सर्विस नहीं दे रहा है। यही कारण है कि हम सिवान इसको लेके चले जाते हैं। सिवान में है कि इत्मीनान से जो भी डॉक्टर हैं, मनोज सिंह, चाहे जो भी हमारे सिवान में डॉक्टर हैं, वो रात्रि मतलब 24 घंटा का सेवा देते हैं। अगर आपको वो एडमिट कर लिए रात में, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एडमिट नहीं कर रहा है सब गोपालगंज में कोई भी डॉक्टर। और सिवान में है कि आप अगर कोई बीमारी लेके गए, कोई सीरियस दुख है या फिर कुछ भी है, तो आपको एडमिट लेगा। और मतलब आप रात में जब भी कुछ हुआ तो वो बेस्ट सर्विस देते हैं। उस दिन बाबू को लेकर हम थे, इसके पहले इसको भी इतना हल्ला कर रहा है। इसके पहले इसको हम लेके थे मनोज सिंह के पास, जब इसको धूप लगा था, फीवर आ रहा था हर 6 घंटे पे, उस टाइम लेके थे। तो इसको ये 24 घंटा हो गया था कुछ नहीं, ना दूध पी रहा था ना खा रहा था। तो फिर डॉक्टर साहब इसको पानी लिखे, बोले कि नहीं खा, जब तक नहीं खाएगा दूध नहीं पिएगा, कमज़ोर होता है, तो लिखे पानी, पानी चढ़वा रहे थे। 11:30 बजे रात को इसको फीवर आया 103, और इसको झटका आ रहा था, झटका। तुरंत डॉक्टर साहब छत पर से उतर के आए और आके इसका फिट आ रहा था इसको, तो आके इसका ट्रीटमेंट किए, दूसरा इंजेक्शन दिलवाया, फिर से इसका ट्रीटमेंट किए, दवा ववा सब दिए, तो फिर इसका फीवर उतरा। यहाँ पे इसका 24 टॉयलेट हो गया। और लेके हम डॉक्टर के पास गए तो साफ कह रहा है डॉक्टर के, नहीं ORS का घोल पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, ORS का घोल पिलाइए। तो फिर ला के हम एक रात में इसको 3 पैकेट ORS का घोल पिलाए हैं। बबू लाल फिर जब सुबह 8 बजे तो इसको हम लेके गए, और इस ऐसे टाइम में इसको टॉयलेट हो रहा था रात के 5 बजे से स्टार्ट हुआ, लेकिन 5 बजे से हल्का हल्का टॉयलेट हो रहा था। जब रात में 9 बजे उस टाइम से एकदम सीरियस हो गया, तो बस भी नहीं मिल रहा था कि हम जाएं, और भाई लोग भी घर पे नहीं थे, कोई गोरखपुर गया था, कोई पटना गया था, तो अब उन लोग के पास भी हम फ़ोन नहीं किए। फिर जाके 1:30 बजे रात को इसका टॉयलेट बंद हुआ, लास्ट टॉयलेट 1:30 बजे रात को किया।
फिर सुबह में 8:30 में डॉक्टर के पास ले गए तो बोल रहे हैं कि ये पानी चढ़ा ले, कहाँ है इसको इतना ना मेंटेनेंस का पानी पिलाई है, जैसे मतलब ORS ये सब मेंटेन कर गया है। एक रात में हम पूरी रात में मतलब 3 पैकेट हम पिला दिए इसको ORS, बड़ा वाला पैकेट। पूरा रात हम जगे थे, ये जगा था, इसके बाबा जगे थे। अब जाके माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है आप लोग की दुआ से। इसको तकलीफ होता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ हम ही को होता है, हम इसको तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। बाबू तन बाबू कह दो तो कह दे बाबू, बोलते हैं बाबू कह तो कहते बाबम बाबम, बाबू नहीं कहता बाबम कहता है। अब देखिए कल ईद होता है सऊदी का, कल तो फाइनली ईद होगा, आज का उम्मीद था तो आज तो नहीं हुआ, लेकिन कल फाइनली ईद होगा सऊदी का और परसों ईद होगा यहाँ का। देखिए चादर लेके क्या कर रहा है, बबू तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और आपस में शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय।